फोर्कलिफ्ट सेफ्टी। क्या है फोर्कलिफ्ट सेफ्टी? जब भी किसी भी कंपनी में जब सामान उठाने के लिए या फिर एक सामान दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए फोर्कलिफ्ट ड्राइवर फोर्कलिफ्ट चलाता है तो काफी छोटी छोटी कई गलतियां करता है, जिसकी वजह से वो छोटी गलतियां बड़े बड़े एक्सीडेंट्स का कारण बनती हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर फोर्कलिफ्ट चलाते टाइम करता है, तो आज हम वो सारी चीजें इस ट्रेनिंग में देखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि फोर्कलिफ्ट चलाते टाइम कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए फोर्कलिफ्ट ड्राइवर को, और क्या वो बातें हैं जो फोर्कलिफ्ट चलाते टाइम उसको कौन कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। और उससे पहले मेरे जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के पास पहुंच सके जो फोर्कलिफ्ट ड्राइविंग करते हैं, जो वो इस वीडियो के थ्रू काफी सारी चीजें सीखेंगे जो फोर्कलिफ्ट चलाते टाइम गलतियां करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है फोर्कलिफ्ट सेफ्टी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है फोर्कलिफ्ट सेफ्टी, मतलब फोर्कलिफ्ट चलाते समय क्या क्या सुरक्षा आपको रखनी है। ट्रेनिंग का उद्देश्य जान लेते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है, फोर्कलिफ्ट के बारे में जानना, फोर्कलिफ्ट चलाते समय दुर्घटनाओं के कारण सुरक्षा के बारे में जानना, रखरखाव के बारे में जानना, फोर्कलिफ्ट को पार्किंग में खड़े करते समय सावधानी को जानना, और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कौन कौन से प्रयोग करने हैं उसके बारे में जानना। ये हमारे ट्रेनिंग के उद्देश्य हैं। अब पहले सबसे पहले फोर्कलिफ्ट के बारे में जान लेते हैं। फोर्कलिफ्ट क्या है? जो सामने वाला है इसको काउंटर वजन बोलते हैं, सीट और सेफ्टी बेल्ट, उसके बाद स्टेयरिंग एक्सल और इसके पहिए, वाहन सीरियल नंबर और लोड रेटिंग यहाँ पे होगा, और ड्राइव एक्सल और पहिए। तो ये इसके बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब जो इसके कांटे जिसको बोलते हैं, जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, ये मास्ट होता है, इसको कैरेज बोलते हैं, ये लोड फोर्क है, और यहाँ पर चैन लगी होती है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर यहाँ पे लगे होते हैं। अब इसका छत वाला हिस्सा, ऊपर बचाव के लिए छत होती है और ये चेतावनी लाइट होती है। फोर्कलिफ्ट चलाते समय दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं, बिना इंजन बंद किए फिसलते हुए सामान को ठीक करना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे फोटो में दिखाया गया है, फोर्कलिफ्ट चल रही है और उसमें सामान को ठीक कर रहा है। दूसरा, पेंट करने के लिए ग्रिल के नीचे से जाते समय संतुलन खो जाना। देखिए, पेंट कर रहा है और उसने ध्यान नहीं दिया कि नीचे ग्रिल भी है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा है। नए ऑपरेटर को ट्रेनिंग देते समय तेज फोर्कलिफ्ट चलाते हुए संतुलन बिगड़ना, तो ये सभी दुर्घटना के कारण है। देखिए, संतुलन बिगड़ा और एक्सीडेंट हो गया। चौथा है, एच एक्सल स्टील ट्रक पर चढ़ाते समय फिसल कर गाइड के ऊपर गिरने से। देखिए फोटो में, देखिए किस प्रकार। पांचवा है, केमिकल उतारते समय तेजी से फोर्कलिफ्ट को बैक करते समय संतुलन बिगड़ना। अगला है, वर्कर द्वारा सामान उतारते समय ऑपरेटर द्वारा फोर्कलिफ्ट चलती छोड़कर मदद के लिए जाते समय फोर्कलिफ्ट को खुला छोड़ दिया और उसकी हेल्प के लिए जा रहे हैं। पौंड से अधिक ऊंचाई पर कार्य करते समय लोड ज़्यादा है और ऊंचाई से ज़्यादा पर काम कर रहे हैं, बैलेंस बिगड़ा और एक्सीडेंट। सामान ट्रक में लोड करते समय ड्राइवर द्वारा फोर्कलिफ्ट के कांटे निकलने से पहले ही ट्रक को चला देना। देखिए फोटो में,
नौवां है आवश्यकता से अधिक वजन उठाने पर, आवश्यकता से ज्यादा वजन उठाया और फोर्कलिफ्ट अनबैलेंस हो गई। बैक हॉर्न या साइड शीशे का न होना, कई बार ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, बैक हॉर्न नहीं लगवाते हो, साइड शीशे का यूज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है। ग्यारहवा है दुर्घटना संभावित क्षेत्र से सामान ले जाते समय, देखिए नीचे गड्ढा है ध्यान नहीं दिया, उस पर फोर्कलिफ्ट गई और अनबैलेंस हो गई। बारहवा है लिफ्ट पर अधिक वजन का सामान रख कर आवश्यकता से अधिक ऊंचाई पर काटों को करने से, ये देखिए आवश्यकता से अधिक वजन उठाया और अनबैलेंस हो गई। तेरहवा है ड्राइवर द्वारा स्टार्ट फोर्कलिफ्ट छोड़कर जाने से, तो स्टार्ट फोर्कलिफ्ट कभी भी छोड़ के नहीं जानी है। चौदहवा है फोर्कलिफ्ट के एक तरफ अधिक वजन हो जाने से, एक तरफ ज़्यादा वजन टांगने से भी फोर्कलिफ्ट अनबैलेंस्ड हो जाती है, तो समान वजन होना चाहिए। पंद्रहवा है चालू फोर्कलिफ्ट में रिपेयरिंग करते समय, सबसे खतरनाक है ये, चालू फोर्कलिफ्ट में कभी भी रिपेयरिंग का काम ना करें। सोलहवा है लोड ले जाते समय अचानक किसी के सामने आने से, तो फोर्कलिफ्ट को धीरे धीरे चलाएं, अगर कोई सामने आ भी रहा है तो उससे ब्रेक लग जाएंगे। सत्रहवा है तेज गति से फोर्कलिफ्ट को मोड़ने से, तो कभी भी स्पीड में फोर्कलिफ्ट को नहीं मोड़ना है, देखिए इस फोटो में ऐसे दिखा रखा है। अब फोर्कलिफ्ट चलाते समय और इसके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जब फोर्कलिफ्ट चलाते समय खतरनाक गतिविधि करने से, कंपनी परिसर में किसी अन्य व्यक्ति को फोर्कलिफ्ट चलाना सिखाने से, फोर्कलिफ्ट चलाते समय अन्य व्यक्ति को साथ में बिठाने से, फोर्कलिफ्ट चलाते समय ध्यान भटकने से, खराब फोर्कलिफ्ट का प्रयोग करने से, नशा करके फोर्कलिफ्ट चलाने से, और अधिक थकान होने पर भी फोर्कलिफ्ट चलाने से, और फोर्कलिफ्ट चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने से, तो ये भी दुर्घटना का कारण होती हैं ये चीज़ें भी। ढलान पर जब फोर्कलिफ्ट चलाएंगे तो सुरक्षा के लिए क्या बातें ध्यान रखनी है, यदि आप ढलान पर काम कर रहे हैं और संतुलन खो जाए तो कभी भी कूदने का प्रयत्न ना करें, मजबूती से स्टीयरिंग को पकड़ें और जहां तक हो सके अपने शरीर को फ्रेम के अंदर रखें। देखिए पहले से सुनिश्चित कर ले कि वजन संतुलित हो, सुनिश्चित कर ले कि वजन निश्चित ऊंचाई पर हो, सुनिश्चित कर ले कि किसी प्रकार की फिसलन तो नहीं है, टायरों को चेक करें कि वो अधिक घिसे हुए ना हो, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप ढलान पर काम करते हैं, ढलान पर कोई सामान लेके जाते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जहाँ पर दूसरे कर्मचारी काम करते हो वहाँ सुरक्षित फोर्कलिफ्ट चलाना चाहिए, कभी भी असंतुलित तरीके से फोर्कलिफ्ट नहीं चलाना, इन बातों का ध्यान रखें। यदि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तो हॉर्न दे, हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, यदि कोई सामने से निकल रहा हो तो ब्रेक लगा देनी है, लोड को हमेशा नीचे की तरफ रखना है, बार बार वजन को ऊपर नीचे नहीं करना है, तो कभी ऊपर कर रहे हैं कभी नीचे कर रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फोर्कलिफ्ट द्वारा वजन उठाते समय सुरक्षा, देखिए पहले से सुनिश्चित कर ले कि कांटे फ्रेम के अंदर अच्छी तरह से गए हैं या नहीं है, कई बार क्या होता है कांटे जो उसके फोर्कलिफ्ट के फॉले हैं वो अच्छी तरह से अंदर जाते नहीं हैं और फोर्कलिफ्ट के फॉलों को ऊपर उठा देते हैं, जिससे जो फ्रेम है वो अच्छी तरह से नहीं डल पाता और फ्रेम कई बार अनबैलेंस होकर बाहर की तरफ गिर जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। रखरखाव के बारे में क्या सुझाव हैं, उत्पादककर्ता के द्वारा दी गई रखरखाव संबंधी पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पालन करें, फोर्कलिफ्ट में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसको तुरंत ठीक करा लें, काम न होने पर और तेल भरवाते समय इंजन को बंद करके रखें, समय समय पर फोर्कलिफ्ट की सर्विस कराएं। रखरखाव के बारे में जानना, फोर्कलिफ्ट की समस्या को जानना, जब असामान्य आवाज़ होने लगे
चलते मुड़ते व वजन उठाते समय परेशानी होने लगे, स्टेयरिंग घुमाने में परेशानी आने लगे, तेल के टैंक में टैंक लीक हो जाने पर, काला धुआं आने पर, फोर्कलिफ्ट स्टार्ट होने में परेशानी होने पर, या वजन उठाते समय फोर्क का अटक जाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें होते ही तुरंत फोर्कलिफ्ट को ठीक करा ले ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। रखरखाव के बारे में जानना, ऑपरेटर द्वारा प्रतिदिन काम शुरू करने से पहले फोर्कलिफ्ट में निम्नलिखित चीज़ें चेक जरूर कर ले, जैसे विजुअल चेक करना है उसका, इंजन ऑयल लेवल चेक करना है, ट्रांसमिशन का लेवल चेक करना है, हाइड्रोलिक ऑयल लेवल चेक करना है, ब्रेक फ्लूड लेवल चेक करना है, रेडिएटर कूलेंट लेवल चेक करना है, लाइट्स एवं हॉर्न चेक करना है, बैटरी चेक करनी है, फैन बेल्ट टेंशन चेक करना है, फ्यूल गेज चेक करना है, टेम्परेचर गेज चेक करना है, इंजन ऑयल प्रेशर गेज चेक करना है, और अल्टरनेट चार्जिंग चेक करना है अगर चार्जिंग की है तो, ब्रेक के फ्री प्ले को चेक करना है, ब्रेक हुटर और मिरर चेक करना है, लीकेज को चेक करना है, टायर प्रेशर को चेक करना है, ओवर मीटर को चेक करना है, लिफ्ट और टिल्ट सिलेंडर को चेक करना है, अपराइट और कैरिज बेयरिंग को चेक करना है, पीआरसी सिलेंडर को चेक करना है, असामान्य आवाज़ आने लगे तब चेक करना है, पावर स्टीयरिंग सिलेंडर ऑपरेशन को भी चेक करना है। तो ये रखरखाव से संबंधित आपकी चेकलिस्ट है। आप इसकी चेकलिस्ट भी बना सकते हैं कि आपने इन सभी पॉइंट्स को लिख लिया और डेली जब आप फोर्कलिफ्ट को चलाएंगे तो उससे पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। फोर्कलिफ्ट को पार्किंग में खड़ी करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है। फोर्कलिफ्ट को पार्किंग में खड़ा करते समय दो गाड़ियों के बीच में स्पेस ज़रूर रखें। फोर्कलिफ्ट के कांटे पूरी तरह से ज़मीन में होने चाहिए और फोर्कलिफ्ट पार्किंग का स्थान खुला होना चाहिए, जैसा कि फोटो में दिखा रखा है। उसके लिए आइडेंटिफिकेशन एरिया भी होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। फोर्कलिफ्ट चलाते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग, फोर्कलिफ्ट चलाते समय उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना है। हमेशा जब भी फोर्कलिफ्ट चलाएंगे तो सीट बेल्ट जरूर बांधना है। फोर्कलिफ्ट में साइड शीशे, बैक हॉर्न और फ्रंट लाइट का भी प्रयोग हमेशा ठीक रखें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।